हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है। पेट एग्जाम में आप देखेंगे जो सिलेबस है, इसमें सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आने वाले हैं और आज का इसका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है। और इसी के साथ आपका सामान्य जागरूकता का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसका 1 से लेकर 14 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, कंप्लीट वीडियो है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज यहाँ पर सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाएंगे जैसे यहाँ पर है। ठीक है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसको हम कवर कर देंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य या इसका अर्थ दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन यही मुख्य कारण है। यहाँ यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, यानी किसमें, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती है और ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। ठीक है, तो पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा कि मीना का जलवा चारों ओर, तो यहाँ पर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन, ये आपकी इतनी गैसें होती हैं। मीना का जलवा चारों ओर, यानी मीना का जलवा चारों ओर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन, बस इतनी गैसें याद रखिएगा, आपको इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जितने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन जितने आज तक बने हैं इसको कवर कर लेते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास मानिए कम क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया जाता है। और इसका पीडीएफ आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन कलेक्शन हो जाएगा और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, जैसे क्या हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर तमिलनाडु है। अगर पूछेगा तमिलनाडु की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है। तो यहाँ पर तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, यह उत्तर पूर्वी मानसून है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। तो यह उत्तर है, क्या है, उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस पहाड़ी प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो खासी, खासी पहाड़ी प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे अधिक विरलता पाई जाती है, ये जो एरिया होता है इसमें सबसे अधिक विरलता पाई जाती है, और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है किस मंथ में। तो अक्टूबर और नवम्बर मंथ में, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर और नवम्बर मंथ में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांशता कहाँ मिलती है। तो यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में मिलती है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो आपका ए एरिया होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहीं से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है।
अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75%। दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर 75% वर्षा होती है। अगर पूछे किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है, पूछे कितने परसेंट होती है, तो 75% होती है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है, तो पंजाब पंजाब देश पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर UP SSC मोस्टली 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 रिपीट किया है, ठीक है। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है, तो औसत की बात करें एवरेज, तो एवरेज आपका 118 सेंटीमीटर है। भारत में वर्षा का औसतन कितना है, 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, तो अधिक ताप व अधिक वर्षा होती, यानी तापमान भी अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती, यानी कर्क रेखा के जगह पर अगर विषुवत रेखा हो जाती तो टेम्परेचर अधिक होता और वर्षा भी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में किस प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे अधिक किस में वर्षा होती है, तो इस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। SW है, और जलवायु परिवर्तन से ये 14 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एक से दो बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और रही बात इसकी PDF की, तो PDF इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको इजिली PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी के साथ सामान्य जागरूकता जो कि 10 नंबर का है, ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।